हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मॉडल पेपर 25 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये फुल मॉक टेस्ट है, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। 125 MCQs इंक्लूड किए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अर्नाल्ड्स मेमोरियल वर्सेज इज डेडिकेटेड टू। मैथ्यू अर्नाल्ड की जो पोएम है मेमोरियल वर्सेज, एक इसको डेडिकेट है, शेक्सपियर को है, किट्स को है, एस्टी कॉलडीज को है, विलियम वर्ड्सवर्थ को है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, शेक्सपियर, किट्स, एस्टी कॉलडीज, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नाल्ड्स की जो पोएम है मेमोरियल वर्सेज जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी को डेडिकेट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, ब्यूटी प्रोवोक थीव सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन। ए लाइन कहाँ से ली गई है, एज यू लाइक इट से है, ट्वेल्थ नाइट से है, हेनरी फोर्थ पार्ट वन से है, जूलियस सीजर से है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या होगा, ब्यूटी प्रोवोक थीव सूनर देन गोल्ड। इस लाइन को रोज लिंड बोलती है। ओके, ये लाइन जो है प्ले एज यू लाइक इट की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी प्ले में द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किस प्ले में आता है, तो एज यू लाइक इट में ही आता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ब्यूटी प्रोवोक थीव सूनर देन गोल्ड, ये जो लाइन है एज यू लाइक इट की प्ले की लाइन है। इस लाइन को रोजालिंड बोलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, दिस लाइन इज फ्रॉम। ए लाइन कहाँ से ली गई है, ग्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, मैकबेथ की लाइन है, टेम्पेस्ट की लाइन है, हेमलेट की लाइन है, किंग लियर की लाइन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, हेमलेट, किंग लियर। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हेमलेट। ग्रेविटी इज द साउल ऑफ विट, हेमलेट प्ले की ये लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, हेनरी फोर्थ पार्ट टू की लाइन है, हेनरी फोर्थ पार्ट वन की लाइन है, हेनरी फोर्थ पार्ट थर्ड की लाइन है, या फिर ऑप्शन डी हेनरी सिक्स पार्ट टू की लाइन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। फ्रेंड्स, ये हेनरी फोर्थ पार्ट टू की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो क्राउन में फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, मिटोनमी हो जाएगा। ओके, हेड में क्या हो जाएगा, सेनेकडकी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस लाइन में दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, सेनेकडकी एंड मिटोनमी। ओके, क्राउन में क्या है, मिटोनमी है, हेड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सेनेकडकी है।
ओके। तो फ्रेंड्स, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हिच इज सेड टू अ लिरिकल ट्रेजडी, कौन सी लिरिकल ट्रेजडी कही जाती है? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, या ऑप्शन डी हेनरी एट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, या ऑप्शन डी हेनरी एट। फ्रेंड्स, लिरिकल ट्रेजडी के नाम से रिचर्ड सेकेंड जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिचर्ड सेकेंड हो गया। एक और प्ले है, विंटर्स टेल, विंटर्स टेल। इस प्ले में कोई राइम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, लिरिकल ट्रेजडी के नाम से रिचर्ड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डॉग वेरी एंड वर्जेस द टू पुलिस ऑफिसर्स अपीयर्स इन। डॉग वेरी एंड वर्जेस नाम के दो पुलिस ऑफिसर कहाँ आते हैं? जूलियस सीजर में आते हैं, मच अडू अबाउट नथिंग में आते हैं, आ मिडसमर नाइट ड्रीम में आते हैं, या फिर टीटस एंड्रोनिकस में आते हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिस्पॉन्स करिए। डॉग वेरी एंड वर्जिश नाम के दो जो पुलिस ऑफिसर हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पुलिस मूर्ख ऑफिसर, ये मच अडू अबाउट नथिंग में आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, टीटस एंड्रोनिकस ये विलियम शेक्सपियर जी की फर्स्ट ट्रेजडी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ट्रेजडी है बाय विलियम शेक्सपियर जी। ओके, टीटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई फर्स्ट ट्रेजडी है। ओके, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, लव्स लेबर लॉस्ट वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ। किड की स्टाइल, लिलीज स्टाइल, मार्लोज स्टाइल, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर सेवन को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? लव्स लेबर लॉस्ट किसकी स्टाइल में लिखा गया है? किड की स्टाइल में लिखा गया, लिली की स्टाइल में लिखा गया, मार्लोज की स्टाइल में लिखा गया है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। लव्स लेबर लॉस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ध्यान रखिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये एग्जाम्पल है। ओके, लव्स लेबर लॉस्ट जो है लिली की स्टाइल में लिखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, लव्स लेबर लॉस्ट में ही लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, इन विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या ऑप्शन बी डेफोडिल्स, या ऑप्शन सी द लीज गैदरर, या ऑप्शन डी टिंटरनबे। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जी किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं? तो फ्रेंड्स, टिंटरनबे इज द राइट आंसर। टिंटरनबे में ही विलियम वर्ड्सवर्थ जी डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टिंटरनबे पोएम जो है 13 जुलाई
13 जुलाई 1798 में आती है इन लिरिकल बैलाड्स में, इन लिरिकल बैलाड्स में आती है। ध्यान रखना है लिरिकल बैलाड्स की ये लास्ट पोएम है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी किस पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की चर्चा करते हैं, तो पोएम है ट्रिंटर्न अवे। ओके फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस 1807 में आती है, पोएम इन टू वॉल्यूम्स में। डेफोडिल्स 1807, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। लेज गैदरर 1807, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। ओके ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का पोएम का कलेक्शन आता है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स करके, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जी की बहुत सी पोएम पब्लिश होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century मेडिटेटिव पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा वर्क द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century मेडिटेटिव पोएट्री कहा गया है? लूसी पोएम्स, टिंटर्न अवे, लिरिकल बैलाड्स, इमोर्टेलिटी वर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? लूसी पोएम्स, टिंटर्न अवे, लिरिकल बैलाड्स, इमोर्टेलिटी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वंस अगेन टिंटर्न अवे इज द राइट आंसर। द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century मेडिटेटिव पोएट्री किस पोएम को कहा गया है? तो टिंटर्न अवे को कहा गया है। ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिरिकल बैलाड्स कब आते हैं? 1798 में आते हैं। लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4th एडिशन आते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एडिशन कब आएगा? 1798। सेकेंड एडिशन प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800। थर्ड एडिशन 1802। फोर्थ एडिशन 1805। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798 में आता है। फ्रेंड्स, लिरिकल बैलाड्स के टोटल कितने एडिशन आते हैं? 4th एडिशन आते हैं। ओके फर्स्ट एडिशन 1798 में, दूसरा एडिशन 1800 में, तीसरा एडिशन 1802 में, चौथा एडिशन 1805 में आता है। ओके लिरिकल बैलाड्स में टोटल 23 पोएम्स हैं, ध्यान रखिएगा, लिरिकल बैलाड्स में टोटल 23 पोएम्स हैं, जिसमें से 19 जो पोएम है, 19 जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की हैं, 4 पोएम है एसटी कॉलरिज जी की। ध्यान रखिएगा, टोटल पोएम्स 23, 4 पोएम्स एसटी कॉलरिज, 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को किसने कॉइन किया? जॉन कीट्स ने, थॉमस किड ने, थॉमस राइवर ने, टीएस इलियट ने। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने कॉइन किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जांपल विलियम शेक्सपियर जी हैं, ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर। ओके यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जांपल कौन है, कौन सा पोएट है, तो नन अदर देन विलियम शेक्सपियर जी हैं। ओके नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने कॉइन किया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है? इडियोसिंक्रेंसी की रॉन्ग है, इलिटरेट की रॉन्ग है, ह्यूमरस की रॉन्ग है, या फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग रॉन्ग है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 11,
फ्रेंड्स ध्यान रहे, यहाँ पर रॉन्गली स्पेलिंग फाइंड आउट करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है अर्थात करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर इडियोसिंक्रेसी की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, आई डी आई ओ, ओके, एस वाई एन सी आर ए एस वाई। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी वाई नहीं होगा, सी वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा, इडियोसिंक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इलिटरेट की स्पेलिंग राइट है, ह्यूमरस की स्पेलिंग राइट है, फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग राइट है। यहाँ पर जो स्पेलिंग में मिस्टेक थी वो थी इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी में लास्ट में सी वाई नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एस वाई आएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, टूर्नामेंट की रॉन्ग है, स्पॉन्टेनियस की रॉन्ग है, ट्रैंक्विलिटी की रॉन्ग है या फिर इग्रेजियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, रिस्पॉन्स इमिडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, टूर्नामेंट की स्पेलिंग राइट है, स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग राइट है, ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है। यहाँ पर स्पेलिंग में जो मिस्टेक है, इग्रेजियस की स्पेलिंग में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल जी नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ई जी आर ई जी आई ओ यू एस, ध्यान रखना है, इग्रेजियस में डबल जी नहीं आएगा, सिंगल जी आएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, मिस्चीवियस की रॉन्ग है, इलोक्वेंस की रॉन्ग है, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है या ग्रेनरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, मिस्चीवियस, इलोक्वेंस, रिक्वायरमेंट, ग्रेनरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके, मिसचीवियस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान दीजिए, राइट स्पेलिंग क्या होगी, एम आई एस एच सी एच आई ई वी ओ यू एस, ध्यान दीजिए यहाँ पर आई ओ यू एस नहीं होगा, एम आई एस एच आई ई वी ओ यू एस, ध्यान रखना है, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस, ओके, यहाँ पर बी आई ओ यू एस नहीं होगा, वी ओ यू एस होगा। ओके फ्रेंड्स, इलोक्वेंस की स्पेलिंग राइट है, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग राइट है, ग्रेनरी की स्पेलिंग राइट है। फ्रेंड, ग्रेनरी की स्पेलिंग में सतर्क रहना है क्योंकि ग्रेन, जी आर ए आई एन ग्रेन, ग्रेन की स्पेलिंग होती जी आर ए आई एन ग्रेन, ओके, बट जब ग्रेनरी लिखा जाता है इसमें जो ये है आई, आई रिमूव हो जाता है, तो ग्रेनरी, जी आर ए एन ए आर वाई, ग्रेनरी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिस्चीवियस की स्पेलिंग रॉन्ग है, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, फारेनहाइट की स्पेलिंग करेक्ट है, रेफरेंस की करेक्ट है, वर्चुअस की स्पेलिंग करेक्ट है या फिर एम्बिडेक्ट्रस की स्पेलिंग करेक्ट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा,
ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, फारेनहाइट की करेक्ट है, रेफरेंस की करेक्ट है, वर्चुअस की करेक्ट है या फिर एम्बिडेक्ट्रस की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एम्बिडेक्ट्रस ऑप्शन डी, एम्बिडेक्ट्रस की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ वर्चुअस, रेफरेंस, फारेनहाइट की स्पेलिंग मिस्टेक है। फारेनहाइट की स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या होगी ध्यान दीजिए, एफ ए एच फ आर ई एन रेन फारेनहाइट, एच ई आई टी। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई ई टी नहीं होगा, ई आई टी होगा। ओके, रेफरेंस में डबल एफ नहीं होता, सिंगल एफ होता है, आर ई एफ ई आर ई एन सी ई। ओके रेफरेंस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्चुअस में यहाँ पर ई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, हैरेसमेंट की करेक्ट है, फॉरबियरेंस की करेक्ट है, एक्सहेलरेट की स्पेलिंग करेक्ट है या फिर इरेपेरेबल की स्पेलिंग करेक्ट है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट है या डी राइट है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्सहेलरेट की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, हैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, एच ए आर ए डबल एस एम ई एन टी। फ्रेंड्स, हैरेसमेंट में सिंगल आर आएगा, डबल एस आएगा, बट ध्यान रखना एम्बैरेसमेंट, यदि एम्बैरेसमेंट आ जाए ए एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम ई एन टी, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, हैरेसमेंट में सिंगल आर आएगा, एम्बैरेसमेंट में डबल आर आएगा, डबल एस आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, हैरेसमेंट में डबल आर नहीं बल्कि सिंगल आर आएगा, एम्बैरेसमेंट में डबल आर आएगा, डबल एस आएगा। ओके, फॉर वेरेंस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, फॉर वेरेंस नहीं, फॉर वेरेंस, यहाँ पर ई नहीं आएगा, एफ ओ आर वी ई ए आर ए एन सी ई। ओके, फॉर वेरेंस, फॉर वेरेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी, एफ ओ आर फॉर वी ई ए आर ए एन सी ई, फॉर वेरेंस। इरेपेरेबल की स्पेलिंग यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पर आई नहीं आएगा, राइट स्पेलिंग क्या होगी, आई डबल आर ई पी ए आर ए वी एल ई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी ए आई नहीं होगा, पी ए आर ए वी एल ई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, होमोजीनस, ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट या फिर होम्योपैथी की स्पेलिंग राइट है। रिस्पॉन्स करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, होमोजीनस, एच ओ एम ओ जी ई एन ई ओ यू एस, होमोजीनस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर होम्योपैथी की स्पेलिंग रॉन्ग है, राइट स्पेलिंग क्या होगी, एच ओ एम ई ओ होम्योपैथी, पी ए टी एच वाई। ओके, ध्यान रखना है, एच ओ एम ई ओ पी ए टी एच वाई, होम्योपैथी। ओके, तो फ्रेंड्स होमोजीनस की स्पेलिंग यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेवनटीन, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए प्रिविलेज।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रिविलेज, PRIVILEGE, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एटीन, वैसिलेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, वैसिलेशन होता टीकाकरण, ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। 18 को रिस्पांस करिए, वैसिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, VACILATION, VACI वैसिलेशन, LLATION वैसिलेशन टीकाकरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकन्वीनियंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनकन्वीनियंसेड, रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, INCONVENIENCED, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, मिस डिमनर की राइट स्पेलिंग क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, मिस डिमनर। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है MIS DE, फिर MENOUR, मिस डिमनर, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो एंटरप्रेन्योर, ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ENTRE, ओके, PRENEUR, एंटरप्रेन्योर, मैच कर लीजिए, ENTRE PRENEUR, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। 22, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज वर्स ट्रेजडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए, वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है वर्स ट्रेजडी द बॉर्डर्स, ये क्या है, वर्स ट्रेजडी है द बॉर्डर्स, ये कब आता है, 1842 में आता है, ओके। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की करियर का लास्ट वर्क है, द बॉर्डर्स, क्या है, वर्स ट्रेजडी है
ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट, ध्यान रखना है, ट्रेजेडी फाइव एक्ट। द बॉर्डर्स में कितने एक्ट हैं? तो फाइव एक्ट हैं। ओके फ्रेंड्स, जब ये लिखा जाता है उस समय जब शासन होता है किंग हेनरी थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ड्स वर्जी जब बॉर्डर्स को लिखते हैं तो उस समय जो शासन होता है किंग हेनरी थर्ड का होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 को रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्स वर्थ इमोर्टेलिटी वर्ड कंटेंस डैश स्टेंजा, वर्ड्स वर्थ का इमोर्टेलिटी वर्ड में कितने स्टेंजा हैं? 9 स्टेंजा हैं, 7 स्टेंजा, 11 स्टेंजा हैं, 14 स्टेंजा हैं। रिस्पॉन्स करिए 23 को। 23 का राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ जी का जो वर्क है इमोर्टेलिटी ओड, ये कब आता है? 1807 में आता है, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। ओके इरेगुलर ओड है ये, कैसा ओड है? इरेगुलर ओड है। ओके तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 11 स्टेंजा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इमोर्टेलिटी वर्ड में कितने स्टेंजा हैं? तो 11 स्टेंजा हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का कौन सा वर्क है जो उनके थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के लिए जाना जाता है? प्रल्यूड बुक, फिफ्थ प्रल्यूड बुक, फोर्थ या फिर ऑप्शन सी ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, या फिर ऑप्शन डी प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। क्वेश्चन नंबर 24 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? कौन सा वर्क है जो पोएटिक डिक्शन की थ्योरी के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स। ओके ध्यान रखना है, प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1800 में आता है। ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25 वर्ड्स वर्ड डिस्क्राइब्स द डेफोडिल्स, अ होस्ट, अ होस्ट हियर मीन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने डेफोडिल्स को अ होस्ट कहकर डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पर अ होस्ट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समवन हु इंटरटेन्स बाई इन्विटेशंस, या ऑप्शन बी एन ऑर्गेनाइजम दैट हार्बर अनदर इनसाइड, या ऑप्शन सी अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, या ऑप्शन डी एन अनरूली क्राउड ऑफ पासर्स बाई। क्वेश्चन नंबर 25 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जो डेफोडिल्स पोएम में अ होस्ट की चर्चा की है उसका अर्थ है अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 इम्प्रूवमेंट द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 को इम्प्रूवमेंट करना है। ओके जो सेंटेंस का ये डार्क पार्ट है इसको इम्प्रूवमेंट करना है। ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग, हेजिटेटेड टू लिसन टू के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 26 को रिस्पॉन्स करिए। हेजिटेटेड टू लिसन टू के स्थान पर क्या होगा? लिसन टू हेजिटेट, हेजिटेटेड लिसन टू, इज हेजिटेटेड टू लिसन टू, या ऑप्शन डी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 26 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ऑप्शन
डी राइट हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, हेजिटेट के बाद टू आता है, लिसन के बाद भी टू आता है, तो सेंटेंस यहाँ पर ओके है, इम्प्रूवमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 27, द प्लेयर वॉज सेक्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दैट वाई ही हैड नॉट, इसको इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 27 को रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट में है, यहाँ पर दैट सुपरफ्लूअस है, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, व्हाई ही हैड नॉट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, द प्लेयर वाज आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आस्क्ड है। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 28, दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, इन्वेंशंस ऑफ दिस सेंचुरी को इम्प्रूवमेंट करना, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या फिर ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 28 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ सेंटेंस ओके है, जब भी वन ऑफ द आएगा तो वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, प्लूरल आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्वेंशन बिल्कुल ओके है, ऑफ द सेंचुरी सेंटेंस ओके है, किसी प्रकार की कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। 'Can you tell me why did you not speak the truth' को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या फिर ई आएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 29 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, कंजक्शन आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब नहीं आएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिड नहीं आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक के स्थान पर क्या होगा, व्हाई यू डिड नॉट स्पीक। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक के स्थान पर हो जाएगा, व्हाई यू डिड नॉट स्पीक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 30, दे आर नॉट वेवरे ऑफ ऑल द फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर नॉट वेवरे ऑफ को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा या फिर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आर नॉट अवेयर ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31, व्हाई डिड यू नॉट थ्रो द बैग अवे, व्हाई डिड यू नॉट थ्रो को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 31 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट थ्रो। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि जब भी सिंपल पास्ट टेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, वी वन यूज किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थ्रू नहीं बल्कि क्या होगा, थ्रो होगा। क्या होगा? थ्रो होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 32, यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑफ देम, डिपेंडेंट ऑफ देम को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 32, क्वेश्चन नंबर 32 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो डिपेंडेंट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ नहीं ऑन आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिपेंड ऑन देम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33, इफ ही हैज टू स्पेंड 5 hours इन द क्विक, इट वॉज रेली अवेस्टेज। रेली अवेस्टेज के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या फिर ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 33 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द राइट आंसर। रैली अवेस्टेज के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 33, को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या फिर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 34 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। वर डिलाइट के स्थान पर वर डिलाइटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35, द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटएवर हिज फादर वाज डन। वाज डन को इम्प्रूवमेंट करना है, हैज डन आएगा, डिड आएगा, डज आएगा, हैड डन आएगा, या फिर ऑप्शन ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। 35 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटएवर हिज फादर वाज डन, वाज डन के स्थान पर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वाज डन का भी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डन का क्या हो जाएगा, डज। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन पेटरवेल। पेटरवेल किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा, गार्ल्सवर्दी ने लिखा, मिल्टन ने लिखा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए, पेटरवेल को किसने लिखा? पेटरवेल के राइटर कौन हैं? ऑप्शन 36 का वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। पेटरवेल के आथर नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई। ये किसका स्टेटमेंट है? हैजलिट का है, टी एस एलियट का है, एजरा पाउंड का है, जॉन ड्राइडन का है। क्वेश्चन नंबर 37 को रिस्पॉन्स करिए, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड। किसका स्टेटमेंट है ये, किसने रिजेक्ट किया?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टी एस इलियट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाई टी एस इलियट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 38, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, किसका मानना है कि वर्ड्सवर्थ जी हैं जो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर हैं, डिकेंसी, कॉलरिज, शेली, मैथ्यू रेनॉल्ड। रिस्पॉन्स करिए 38, 38 का राइट आंसर क्या होगा, डिकेंसी, कॉलरिज, शेली, मैथ्यू रेनॉल्ड। कौन मानता है या किसका मानना है कि वर्ड्सवर्थ जी हैं जो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, थॉमस डिकेंसी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही राइट होगा। ओके, थॉमस डिकेंसी का मानना है कि वर्ड्सवर्थ जी हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 39, शी गिव मी आईज, शी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू, ये लाइनें किसको रेफरेंस की गई हैं? रिवर वाय, एनेट वेलेन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज डॉटर। रिस्पॉन्स करिए 39 का राइट आंसर क्या होगा, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ये जो लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी की सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ जी को रिफ़र की गई, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, और इन लाइनों का जो ऑथर है नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी इन लाइनों में अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रिफ़र करते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, विलियम वर्ड्सवर्थ जी कितनी बार यूरोप गए? 4 times, 5 times, 6 times, 2x। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 6 times। विलियम वर्ड्सवर्थ जी यूरोप को कितनी बार विजिट करते हैं? 6 बार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41, वाट इज पैंथीजम मीन्स, जो टर्म है पैंथीजम, इसकी मीनिंग क्या है? गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, या ऑप्शन बी एवरी थिंग इज मॉर्टल, या ऑप्शन सी नन कैन एस्केप फ्रॉम टाइम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 41 को रिस्पॉन्स करिए, वाट विल बी द राइट आंसर। 45 की मीनिंग गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपनी पोएम टिंटर नबे में पैंथीज़म की चर्चा की है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में पैंथीज़म की चर्चा की है, तो फ्रेंड्स वो पोएम है टिंटर अवे। ओके, 42, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू, विलियम वर्ड्सवर्थ जी की जो लूसी पोएम्स हैं ये रिफ़र करती हैं। हिज अर्ली पोएम्स आर ग्रुप ऑफ 5 lyrics बाय हिम, या ऑप्शन सी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलाबोरेशन विथ कॉलरिज, ऑप्शन डी हिज ह्यूमरस। 42 को रिस्पॉन्स करिए, लूसी पोएम्स जो हैं बाय वर्ड्सवर्थ ये किसको रिफ़र करती हैं? आ ग्रुप ऑफ 5 lyric पोएम्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आ ग्रुप ऑफ 5 lyrics बाय हिम। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 43, वाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर निम्फ इन कॉमर्स,
कॉमर्स में जो रिवर निम्फ है उसका नाम क्या है? कैटरीना, सेबरीना, रवीना, मैरियाना। 43 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 43 का राइट आंसर क्या होगा? कैटरीना, सेबरीना, रवीना या मैरियाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेबरीना इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, व्हिच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11th, बुक 12th? कौन सा एंजल है जो एडम को बुक 11, बुक 12 फ्यूचर के विषय में बताता है? रफेल, यूरेल, माइकेल, नन ऑफ द एबव। 44। 44 का राइट आंसर क्या होगा? रफेल, यूरेल, माइकेल, नन ऑफ द एबव। 44 की बात करें तो माइकल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45, हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक म्यूज़? मिल्टन जी कितनी बार म्यूज़ को इन्वोक करते हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। रिस्पॉन्स इमिडिएटली, क्वेश्चन नंबर 45। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 4 टाइम, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हिच डेविल सैटन सेकेंड इन कमांड? मैमोन, सिन, मोलोक, बेल्जबब। कौन सा डेविल है जो सैटन का सेकेंड इन कमांड होता है? मैमोन, सिन, मोलोच, बिल्जबब। 46, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो, डी राइट हो जाएगा, बिल्जबब। बिल्जबब इज़ द राइट आंसर, बिल्जबब जो होता है सैटर्न का सेकेंड इन कमांड होता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? हेल में क्या नहीं पाया जाता है? जम्स, गोल्ड, ऑयल, मिनरल्स। 47 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? तो ऑयल इज द राइट आंसर, हेल में ऑयल नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 'व्हिच इमेज अपीयर्स इन एल एलिग्रो? एल एलिग्रो में कौन सी इमेज अपीयर्स हुई है? गैम्बलिंग हॉल, स्कूल, टावर, चर्च। 48 को रिस्पॉन्स करिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल एलिग्रो में कौन सी इमेज अपीयर हुई है? तो फ्रेंड्स टावर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 49, इन विच बुक डज द फॉल टेक प्लेस? किस बुक में फॉल टेक प्लेस होती है? बुक्स, बुक 8, बुक 9, बुक 10th या फिर ऑप्शन डी, बुक 8। फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऑप्शन डी सेम हैं, तो ऑप्शन ए को हटा दीजिए, ऑप्शन डी को हटा दीजिए। अब ए और बी से रिस्पॉन्स करिए, क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में फॉल टेक प्लेस होता है? तो फ्रेंड्स बुक नंबर 9, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की। बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, बुक नंबर 9 लॉन्गेस्ट बुक, बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन का एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ओके, ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। यह मिल्टन का ऑटोबाई
ग्राफिकल वर्क है, ओके, जो 1665 में लिखा जाता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन 1674 में आता है 12 बुक्स के साथ, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड यू अकर्स? इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी एडम एंड यू, बाइबल की किस बुक में एडम और ईव की स्टोरी अकर्स होती है? ऑप्शन ए लेविटिकस, ऑप्शन बी एक्सोडस, ऑप्शन सी जेनेसिस, ऑप्शन डी ड्यूट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जेनेसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 51। हु पायनियर्ड हेरोइक कपलेट इन इंग्लिश? हेरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने यूज किया? जेफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन ड्राइडन, फ्रांसिस जेफरी। 51 को रिस्पॉन्स करिए। हेरोइक कपलेट को सर्वप्रथम किसने यूज किया? तो फ्रेंड्स यहां पर जेफरी चौसर इज द राइट आंसर। जेफरी चौसर ने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में सर्वप्रथम इसको यूज किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। द कंट्रोवर्सी टेल्स द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, दो वर्क हैं जिसमें हेरोइक कपलेट का यूज जेफरी चौसर ने किया था, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछा जा सकता है किस वर्क में यूज किया, तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है द कंटरवरी टेल्स, या फिर मिल सकता है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ओके। ये दो वर्क हैं जिसमें जेफरी चौसर ने हेरोइक कपलेट को यूज किया। हैजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन, हैजियोग्राफिस लिखे गए हैं, द लाइफ्स ऑफ मार्जिनल्स, द लाइफ्स ऑफ सबल्टन्स, ये ऑप्शन सी, द स्टेशलाइज लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, ये ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। हैजियोग्राफिक्स किस पर लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द लाइफ्स ऑफ मार्जिनल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी? रोमांटिक आयरनी को किसने इंट्रोड्यूस किया? मोलायर, फ्रेडरिक स्लेजल, फ्रेडरिक नेस्टिजे, या ऑप्शन डी जीन रेशाइन। 53 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। रोमांटिक आयरनी को किसने यूज किया? तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक स्लेजल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स, एनाग्रोसिस, पेरिपिटिया, पैथोस, डायनिया। 54 का रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या है? एनाग्रोसिस है, पेरिपिटिया है, पैथोस है, फिर डायनिया है। 54 का रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो पेरिपीटिया इज द राइट आंसर, ओके। रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून या फिर रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, पेरिपीटिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विथ, इमेजिज्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? टी एस इलियट, डी एच लॉरेंस, ई कमिंग्स, या ऑप्शन डी टी ई होल्म। 55 को रिस्पॉन्स करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेजिज्म किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टी ई होल्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टी ई होल्म के साथ जो टर्म है इमेजिज्म, ये एसोसिएटेड है, ओके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
56. द टर्म कर्टल सॉनेट वाज कॉइंड बाई. कर्टल सॉनेट किसके द्वारा कॉइन की गई? जॉन मिल्टन, विलियम लैंगलैंड, विलियम ब्लेक, जी एम हॉपकिंस. 56 को रिस्पॉन्स करिए. कर्टल सॉनेट. फ्रेंड्स, कर्टल सॉनेट को जी एम हॉपकिंस ने कॉइन किया. ओके, जी एम हॉपकिंस जी स्प्रंग रिदम के लिए भी जाने जाते हैं, ध्यान रखना है. जी एम हॉपकिंस स्प्रंग रिदम के लिए भी जाने जाते हैं. कर्टल सॉनेट 11 लाइन सॉनेट को कर्टल सॉनेट कहा जाता है. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 57. इन अ पोएम अ लाइन में इधर वी एंड स्टॉप्ड आर राइम्ड ब्रोकन एक्सेंटेड रन ऑन. क्या यहाँ पर फिलअप किया जाएगा? इन अ पोएम, पोएम में अ लाइन में भी इधर वी एंड स्टॉप्ड आर राइम्ड ब्रोकन एक्सेंटेड रन ऑन. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रन ऑन फिलअप किया जाएगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 58. अ बैलेट स्टेंजा इज ऑफ. बैलेट स्टेंजा होता है टू लाइंस, थ्री लाइंस, फोर लाइंस, फाइव लाइंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए 58 को. 58 का राइट आंसर क्या होगा? टू लाइंस, थ्री लाइंस, फोर लाइंस, फाइव लाइंस. बैलेट स्टेंजा जो होता है वो फोर लाइंस होता है. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 'Pathetic fallacy' फ्रेज किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? शेक्सपियर इन 1591 में, या फिर ऑप्शन बी जॉन रस्किन इन 1856, या ऑप्शन सी कार्लाइल इन 1818, या ऑप्शन डी विलियम लैंगलैंड इन 1761. रिस्पॉन्स करिए कि पैथेटिक फैलसी को किसने कॉइन किया. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीवन क्वेश्चन है. जॉन रस्किन इज द राइट आंसर. जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलसी को कॉइन किया 1856 में. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम इंडियन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड. नोवेला कैसा वर्ड है? इंडियन है, फ्रांसीसी है, इटली है, इंग्लैंड है. तो फ्रेंड्स, नोवेला जो वर्ड है इटालियन वर्ड है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स, आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा. क्लास कैसी रही, सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा. यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच.